बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों हमने 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है हमारा, ये अध्याय शुरू किया था। बच्चों मैंने यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी। मैंने बच्चों आपको यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के संदर्भ में बताया था। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है, उससे प्राप्त होने वाले कंपाउंड, ठीक है, फिर मैंने इसी तरह से एल्कीन का सामान्य सूत्र, उससे प्राप्त होने वाले कंपाउंड, उनकी पहचान, ठीक है, और इसी तरह से फिर एल्काइन, उनका सामान्य सूत्र, उनका उनसे प्राप्त होने वाले कंपाउंड, और इन तीनों ही कंपाउंड को लेकर मैंने आपको उनके साधारण नाम लिखने का तरीका आपके सामने रखा। बच्चों आज मैं आपको सूत्र की जानकारी देने वाला हूं आज की क्लास में, कि हाइड्रोकार्बन ये जो कंपाउंड है बच्चों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम इनके सूत्र जो हैं उनके बारे में आज जानकारी लेंगे। ठीक है, समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, जो बोलने वाला हूँ बच्चों उसको ध्यान से थोड़ा समझिए और कंसंट्रेट करिए। जैसा कि हमने बच्चों बात की हाइड्रोकार्बन की, ध्यान से समझिए। बच्चों समझने और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, और फोकस कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले एल्केन सूत्र के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, हमने यहां पर सूत्र को अपना मुख्य आधार बनाया है आज की क्लास के लिए। तो बच्चे जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको अभी तक आपके सामने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, ये 10 कंपाउंड रखे, उनके जनरल फॉर्मूले भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर रखे हुए हैं। इतना अभी तक आप लोगों को सभी को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलिए सूत्र में कुछ सूत्र आपको मैं समझाना चाहूंगा बच्चों, जिनमें सबसे पहला जो सूत्र है वो है अणु सूत्र। बच्चों हम समझेंगे अणु सूत्र क्या होता है, ठीक, एक एग्जाम्पल के द्वारा। बच्चों दूसरा मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, की संख्या चार है, तो मैंने एक कार्बन लिया और उसके चार इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से मैंने डिफाइन किया। फिर आपको मालूम है कि एक कार्बन से चार हाइड्रोजन जुड़े हैं। हाइड्रोजन का बच्चों परमाणु क्रमांक एक होता है, इसके अंतिम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। फाइनली क्या होगा बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और इनकी साझेदारी से इनके बीच में एक सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा, और इस तरह से एक कार्बन परमाणु चार हाइड्रोजन परमाणु को अपने साथ जोड़कर क्या बना देगा, मीथेन का एक अणु बना देगा। ठीक है, तो अणु सूत्र तो उसका CH4 था, लेकिन हमको देखने से पता चल रहा था कि एक कार्बन से चार हाइड्रोजन जुड़े हैं, पर उनके जुड़ने की प्रक्रिया कैसी है, वो किस रूप में जुड़े, हमको ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसीलिए अब हमको आवश्यकता पड़ी उसके संरचना सूत्र की। तो बच्चों ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, ये क्या है, मीथेन का संरचना सूत्र है, जो हमको ये, बच्चों अगर मैं बोलूं मैंने बेंजीन ले लिया C6H6, तो बेंजीन के अणु सूत्र में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, इनके जुड़ाव की प्रक्रिया कैसी है, किस तरह से वो जुड़े हैं, वो संरचना सूत्र या बाकी सूत्रों में पता चलेगी। अब उसका मूल्यानुपाती सूत्र कैसे बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो समान संख्या वो 6 है, तो मैं अगर पूरी सूत्र को 6 से भाग दे दूं तो केवल जो सूत्र फाइनली प्राप्त होगा बच्चों वो क्या प्राप्त होगा, CH। तो बेंजीन का जो मूल्यानुपाती सूत्र होगा वो कितना होगा, सी और एच होगा, अर्थात इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1:1 का ताजा होगा, या 1:1 की भागीदारी होगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आज हमने सूत्र की जानकारी ली और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझा। आप लोग बेटा इन वीडियोस को बार बार देखिए और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। हम बहुत जल्दी अपने अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करें, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।